तो है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। हाँ भाई चीतोस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सबको। टाइम देखोगे? दिखा देता हूँ, देख लो भाई, 9:05 हो गए, मतलब 9:10 बाकी है और आपका भाई नहा धो के रेडी हो गया है। रुचा गई है नीचे, वो तो आज कब की उठी थी यार, वो तो आज आई थिंक जब मेरी आंख खुली थी एक बार वो उठी, तब 7:30 जैसे बज रहे थे। वो 7:30 उठी, नीचे गई, दादा को पापा को चाय नाश्ता और वगैरह जो उनका सुबह का होता है वो करवाया, फिर ऊपर आई, मेरे को उठाया, फिर मैं फ्रेशन अप हुआ। देखो भाई, रुचा की तारीफ तो करनी पड़ेगी ये बात को लेकर, है ना? तो सब कमेंट में रुचा की तारीफ कर दो। बाकी चलो अपन चलते हैं नीचे, नाश्ता वास्ता करते हैं। ओ सॉरी, नाश्ता तो कर नहीं पाएंगे ना, दूध पीऊँगा या तो फिर चाय पीऊँगा। और अभी है ना, 2 दिन से गले में खराश हो गई है, तो 1-2 वो विक्स की गोली खाई लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी टैग लाइन है ना, विक्स की गोली खाओ खिंच खिंच दूर करो, ऐसा कुछ टैग लाइन है ना उसका, उससे तो कुछ हुआ नहीं। तो अब जो अपने घर का देसी नुस्खा होता है वही अप्लाई करेंगे, हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध या तो फिर अदरक वाली चाय, ऐसा ही कुछ करके ट्राई करेंगे। चलो नीचे। ओके सुहेल, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हो गई हूँ साड़ी पहन के रेडी, क्योंकि अभी देखो मैंने ये थोड़ी सी ऑथेंटिक सी ज्वेलरी डाल रखी है, दूर से दिखाऊँ आपको तो इसमें कुछ माता जी की या फिर ऐसे कुछ मूर्ति है या फिर हनुमान जी, आई डोंट नो, अभी मैंने देखा नहीं है, देखते हैं, रुको, हनुमान जी है, सॉरी हनुमान जी है। ये सब पहन लिया है क्योंकि गणपति का एक सॉन्ग आया है पेड प्रमोशन में, तो वो करना है। देखो माथे पे ये तिलक भी कर लिया है। एक सेकंड, फोन आ रहा है, दादा का, रुक जाओ। दादा का कॉल आया, बोल रहे नीचे मेरे को कुछ खाने को दे। अभी सोचो मैं इतनी रेडी हुई हूँ, अभी जस्ट वीडियो शूट करने जा रही हूँ, देखो साला ज्वेलरी का डब्बा, ये सब सारा सेटअप रेडी कर दिया है, और दादा बोले नीचे के मुझे कुछ खाने को दे। अभी ये मेरे को साड़ी निकालनी पड़ेगी, ये सब निकालना पड़ेगा, और फिर नीचे जाके उनको खाना दूंगी। अभी पता नहीं कितने बजे मैं ऊपर आऊंगी। ये ज्वेलरी है, ये साड़ी तो मैंने निकाल दी, अभी ये ब्लाउज है, ये चनिया भी है। अभी जाती हूँ नीचे, फटाफट से दादा को देती हूँ। एक तो यार पहली बार अच्छे से साड़ी आई थी, लेकिन 4 फोन आ गए दादा क्योंकि अभी के अभी नीचे आ, मेरे को सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो शूट करना था लेकिन नहीं हो पाया। चलो जाते हैं नीचे, अभी पहले उनको देते हैं कुछ खाना, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। 12:30 बज रहे, अभी तक नीचे के नीचे ही हूँ। मैंने सोचा चलो अभी इनका सब खत्म करके एक बार की ऊपर जाओ, ताकि फिर से फोन करके मुझे नीचे बुलाए ना और मेरे को डिस्टर्ब ना करे। बाकी हेयर वॉश भी आज कर लिए थे मैंने मस्त मजे के, तो वो भी थोड़े बहुत सूख जाएंगे। अभी बस 12:30 हो गए, अभी मांगे कि खाना दे देंगे उनको। देख लो भाई, 1:05 हुई है। रोज मैं 12:30 को फ्री हो जाती थी क्योंकि दादा 12:15 तक खाना खा लेते, लेकिन आज वैसे ऐसा ही होता है, हम लोग जब लेट होता है ना तभी हमको और लेट होता है। आज दादा बोल रहे मुझे भूख नहीं, मैं 12:45 खाऊंगा, तो दादा ने 12:45 आज खाना खाया और मैं अभी जस्ट फ्री हुई। और देखो मेरा ये तिलक विलक सब चला गया नीचे बैठे बैठे, तो अभी पहले तो ये सब निकाला, ये सब पहनेंगे फिर से, और ये भी फिर से पहनेंगे। फिर से रेडी हो गई हूँ, पहले की तरह मेरी नहीं आई है प्लेटिंग सभी इस तरह, मैंने बोला ना एक बार ही सही साड़ी आती है, कोई नहीं चलो फटाफट से शूट करते। तो हेयर स्टाइल भी पहले की जैसी अच्छी नहीं आई है, तिलक भी अच्छे से नहीं किया है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, वो एक ही बार में होता है जो परफेक्ट होता है, दूसरी बार में नहीं होता है, तो फटाफट से पहले वीडियो शूट करते हैं। अभी तो 1:30 मेरे को रेडी होते होते, क्योंकि ये साड़ी पहनने में मेरे को ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे क्योंकि मुझे नहीं फा रही थी। मेकअप वगैरह सब रिमूव कर दिया और साड़ी भी चेंज कर दी, बस नॉर्मल से जिम के कपड़ों में आ गई हो। और अभी बजने को तो बज रहे हैं 3। यस भाई लोग, अभी सोना तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं थोड़ी देर इधर बैठती हूँ फिर नीचे जाती हूँ। दादा को 4 बजे चाय चाहिए होती थी, दादा को चाय देते हैं, उसके बाद हम कुछ कॉफी वगैरह पीते क्योंकि घर में सारा नाश्ता खत्म हो गया। मुझे सुबह का मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत भूख लगी है यार, और मुझे लेने जाने में कंटाला आ रहा है, नीचे लेने कौन जाए, ऐसा हो रहा है अभी तो। प्रेरक होता तो उसको बोलती मैं कि जा यार मेरे लिए कुछ लेके, मेरे को भूख लगी है, लेकिन कोई नहीं अभी आज और कल दोनों का ही दिन है, बाकी तो सावन खत्म, लेने जाना ही पड़ा यार, बहुत भूख लगी थी और मेरे को चाय या कॉफी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, कुछ खाना है तो मैं वो साबुदाने के जिगजैग लेने जा रही हूँ अभी। और फिर से एक चीज दिखाऊं,
दादा और चाचू के लिए चाय बना रही हूँ। बाकी आप लोगों ने देखा नीचे फिर से बच्चों ने साइकिल रख दी एक्टिवा के आगे पीछे, जिम जाते समय भी मेरे को उसको हटा के जाना पड़ेगा। आज 5 मिनट लेट हो गई हूँ जिम आने में, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर रही थी, मेरे सीरियल देखने में इंटरेस्ट इतना आ गया ना कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलो भाई वॉकर पे चढ़ी जाते, अब तो बैक एंड शोल्डर करना है। वॉकर पे चढ़ने से पहले देखो हम ही शुरुआत कर रहे हैं इसको चालू करने की। अब भाई चीतोस कैसे हो भाई? टाइम बज रहे है, टाइम बज रहे है, टाइम हो रहा है 10:15। चक्कर वक्कर मार के आ गए वापस घर, और आज तो खाने में भी बहुत अच्छा अच्छा बना था। कोइंसिडेंसली आज बुआ की बर्थडे थी तो बुआ भी घर आई हुई थी, फुआ गए हुए थे काम से कुछ बाहर, फूफा या फुआ दोनों जो भी समझो गए हुए थे बाहर, उनकी लड़की चली गई कनाडा, उनका लड़का अभी पढ़ने जाता है आनंद, वो वहाँ पे हॉस्टल में रहता है। और आज थी उनकी बर्थडे, घर पे कोई था नहीं, रुचा ने बोला अभी आप अकेले क्या करोगे, बोला यहीं रुक जाओ, बोले यहीं पे खाना खा के जाओ। तो फिर चाचू को आया एक बहुत अच्छा विचार, उन्होंने बोला अगर सब इकट्ठा खाने वाले ही है तो बोले मैं बाहर से पनीर की सब्जी ले आता हूँ। तो मैंने थोड़ी सी दादा के लिए अनियन टमाटो की सब्जी बनाई, मेरे प्रेरक के लिए आलू की सब्जी बनाई जो कि मैंने कट कर ली है, मैंने सोचा बना भी दूं। फिर मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बनाई और तीसरी पनीर की सब्जी आई, प्लस एक्स्ट्रा में था बटर मिल्क, रोटियां बना दी। और देखो अभी जिम से आई तो तब से नहाई भी नहीं, अभी फ्रेश अप होने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि जिम से मैं 7 बजे घर पे आई। आज तो मैंने बैक एंड शोल्डर किया था तो 7 बजे की मैं सारी रोटियां वोटे, क्योंकि इतने सारे लोग खाने वाले। मेरे को ऐसा है कि खाना बचे तो चलेगा लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। सही है, सही है, सही है भाई, सही है। बट चलो कोई नहीं, बहुत खा लिया भाई इसने तो, बहुत खा लिया अपन ने ऐसे, चल फ्रेश अप, नाप नाप के खाया है बराबर। बाकी आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं वो भी कमेंट करके बता दो। अभी त्योहार आ रहा है गणपति का, उसकी आपके सिटी में कैसी तैयारियां चल रही है वो भी बता दो। क्या आप अपने घर पे भी गणपति लाने वाले वो भी बता दो। हमारे घर तो आने वाले हैं। यस आने वाले भाई, आने वाले ट्यूसडे को है ना, और कल लास्ट डे हमारा श्रावण का, वो तो बता दिया ना कल के ब्लॉग में ही तो आपको। अभी कंफ्यूजन है, सारे लोग बोल रहे हैं कि आज अमास है, कोई लोग बोल रहे कल है, तो मैंने लोगों को बोला चल एक दिन एक्स्ट्रा भाई, फिर ऐसा ना हो कि भाई कल भी था श्रावण लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। Yes. एक दिन एक्स्ट्रा। हाँ भाई अभी 30-31 दिन की है, एक दिन में क्या ही होने वाला है, हैं? बाकी इस संडे को भी अपने को आराम तो नहीं मिलने वाला है, मतलब जब आप ये व्लॉग तो नहीं, मतलब हाँ ये व्लॉग आप सैटरडे को देख रहे होंगे ना, सैटरडे नाइट को हमको जल्दी सोना पड़ेगा वीकेंड में। लास्ट 2-3 वीकेंड से तो हमको रात को मूवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता, सीरीज देखने का भी, क्यों? क्योंकि संडे को हमको जल्दी उठना होता है और हम जल्दी तभी उठ पाते हैं जब जल्दी सोते हैं हम लोग। प्रेरक ऑफिस जाता है उससे भी जल्दी हम लोगों को उठना पड़ता है संडे को। यस, और इस संडे को भी सेम ऐसा ही होने वाला है क्योंकि शूट्स है बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे शूट। यस, बहुत सारे शूट्स है क्योंकि भाई नवरात्रि नजदीक आ रही है, गणपति नजदीक आ रहे हैं, तो रुचा के बहुत सारे शूट है। देखो अपन का काम क्या है, अपन ठहरे भाई ड्राइवर आदमी, झोला उठा के ड्राइवर आदमी, मैडम बोलेंगे यहाँ जाने दो ड्राइवर, वहाँ जाने देंगे संडे को। अभी संडे को टाइम मिले तो हॉस्पिटल लेके जाना मेरे को यार, ऐसा होता है यार ये कब सही होगी। अरे भाई पर तूने ऐसा ही फेस लगा ना कि मेरे को वो गोबा ही दिखता है सिर्फ, निकलो घर के आंगन के एग्जैक्ट सामने, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना नजर मेरी उधर ही जाती थी, या तो फिर गाड़ी को घुमा दे इस तरफ ताकि मेरे को दिखे ही। चलो कोई नहीं, बाकी अगर ये संडे को टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली, देखो वो काम ज्यादा नहीं है, जाके करवा के। नहीं नहीं मतलब वो एक गोबा निकलवाने के चक्कर में और 5 गोबे की रहेगी तो, और ये क्या गोबे गोबे है, डेंट बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस में डाल देंगे। इंश्योरेंस एक साल में बेटा 2 ही बार क्लेम होता है, एक बार हो गया। अभी वो छोड़ो वो स्टोरी, जाने ही दो तो क्या ही करना क्या नहीं करना, बट चलो कोई नहीं। एक बार तो अपना बिचारी आईसीयू में जाके वापस आई है। यस, और वो भी पूरी 15-20 दिन के, पंद्रह बीस दिन के लिए गई थी वापस आई थी, बिचारी को सोचो कितना लगा होगा। हाँ बट चलो उस टाइम पे तो गलती थी नहीं थी वो बात जाने दो, इस टाइम पे तो गलती भी नहीं है। और क्या, देखो एक सेफर साइड के लिए कभी भी अगर एक ही साल में 2 इंश्योरेंस क्लेम होता है दूसरा कभी मत करवाना भाई, वो गुजराती में बोलते ना ना करे नारायण ने, कहीं मोटू थी जाए इससे अच्छा। कोई नहीं भाई करवा लेंगे, दोस्ती है उसके पास जाके आधा एक घंटे का काम है वो निपटा लूंगा अगर ये संडे को भी टाइम मिल गया तो। बाकी चलो भाई बहुत बातें हो गई आज के लिए,
भी थोड़ी बातें कल के लिए भी बजा के रखते हैं और आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।